Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's daily vocabulary word is ostensible. It was a request by Shuri Kim Jong, and Shuri, here's your lesson. Ostensible means appearing to be true but not necessarily so. Ostensible is a statement or an action that appears to be one way, but in reality the reason for that statement or action is another. For example, when a politician says we are here to serve the nation, but in reality this statement is ostensible because we know they are not there to serve the nation but to gain power and money. Ostensible ka matlab hota hai appearing to be true but not necessarily so. Koi bhi statement ya koi bhi action jo uski reason batai ja rahi hai, statement jo kahi ja rahi hai, jo bazaahir uska matlab nazar aa raha hai, wo actual mein reality mein uska matlab na ho. Jaise ke for example, jaise jo politicians hote hain wo ye kehte hain ki हम तो जी पॉलिटिक्स में आए हैं अवाम की सेवा के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, बट हम सबको पता है कि वो इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं है, वो अपनी पावर के लिए है, अपनी मनी के लिए है. तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है कि हम अवाम की सेवा के लिए या अवाम की खिदमत के लिए हैं, तो ये एक ऑस्टेंसिबल स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक बज़ाहिर बताई जाने वाली स्टेटमेंट है. ये रियल उस उनका जो ये एक्शन है पॉलिटिक्स में आने का, वो रियल मकसद नहीं है. ठीक है, ऐसे ही अगर कोई शख्स किसी भी काम को करने की जो रीज़न बता रहा है वो एक्चुअल रीज़न ना हो, एक्चुअल रीज़न कुछ और हो, तो जो वो रीज़न बता रहा है वो रीज़न उसकी ऑस्टेंसिबल रीज़न होगी. बज़ाहिर क्या जाहिर किया जा रहा है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो उसकी रीज़न होती है एक्चुअल, वो कोई और होती है. ठीक है, तो वो जो बज़ाहिर बताया जा रहा है ना, उसको आप ऑस्टेंसिबल कहेंगे. तो ये एक ऑस्टेंसिबल रीज़न है या ये एक ऑस्टेंसिबल स्टेटमेंट है कि जी हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो काम किसी और वजह के लिए किया जा रहा होता है. आई होप कि आपको ostensible का मतलब समझ में आ गया होगा. Let's see some examples. Our first example is the ostensible reason for his leave is his illness. कि जो ostensible reason बताई गई है, उसने जो छुट्टी ली है, लीव ली है, वो है कि जी वो बीमार है. एक्चुअल में वो बीमार नहीं होगा, वो किसी और वजह से उसने जो छुट्टी ली है, लेकिन जो ostensible reason बताई जा रही है, जो बज़ाहिर reason बताई जा रही है, वो उसकी illness बताई जा रही है. ठीक है, a second example is his ostensible goal for moving to another city is to get a job. कि वो जो दूसरी सिटी में शिफ्ट हुआ है, उसका जो ostensible goal बताया जा रहा है कि वो क्यों शिफ्ट हुआ है, वो है कि जी वहाँ पर जाकर जॉब ले. लेकिन हो सकता है कि वो एक्चुअल में किसी और वजह से जो है ना, वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हुआ है. हो सकता है कि वो वहाँ पे घूमना फिरना चाहता है, या वो कहाँ वहाँ पे किसी और से मिलने गया है. लेकिन जो ostensible goal है उसका कि जी मैं तो वहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा हूँ, वो जॉब के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ. ठीक है, अ थर्ड एग्जाम्पल इज द ostensible reason for his charity is to help the poor, but he did it for popularity. कि जो ostensible reason उसने अपनी चैरिटी की बताई है, वो ये कि मैं तो लोगों की गरीबों की जो है ना, वो हेल्प करना चाहता हूँ, बट इन रियलिटी उसने ये चैरिटी इसलिए की है ताकि उसको पॉपुलैरिटी मिले. ओके जी, हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है. होप कि ये लेसन आपके लिए यूजफुल है, आपने कुछ नया सीखा है. तो मैं आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलती हूँ. अल्लाह हाफिज़.